हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल यूई व्लॉगर गुलनाज बानो। फ्रेंड्स, आज मैं बस अभी ऑफिस के बाहर ही खड़ी हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने आज ड्राइव की है क्योंकि कुछ जगह तो इतना डार्क था तो समझ नहीं आई मुझे। मैंने असल में न्यूज़ ही नहीं पढ़ी थी कि आज सूरज ग्रहण का है कुछ प्रॉब्लम। तो जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ तो देखा पूरी स्ट्रीट्स हैं, जो घर के बाहर के इर्द गिर्द के जो रोड्स हैं वो सारी काली काली डार्क। मैंने तो यार समझ नहीं आ रही है ग्लासेस लगाऊं या उतारूं। एक तरफ सूरज चमक रहा है इतना ज़्यादा, तो अभी भी सूरज मेरी आंखों में पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से ड्राइव करके आई हूँ बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस के पास पहुँच गई हूँ। और यहाँ दुबई में हर मॉस्क के अंदर, हर मस्जिद के अंदर दुआएँ चल रही हैं। तो हम लोगों को भी सबको अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। तो सूरज की तरफ ना देखें। ये सुना है मैंने कि 147 ईयर्स के बाद ये ऐसा हुआ है, सूरज और चांद पास से गुजर रहे हैं तो इस वजह से ऐसे हुआ है। अभी भी आंखें बंद की हैं मैंने बाई चांस गलती से। इवन ये देखें ग्लासेस लगाई हैं, मेरी गाड़ी के ग्लासेस भी ये डार्क हैं, उसके बावजूद मेरी आंखों में पड़ गया तो बहुत मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गई। तो आप लोग भी अवॉइड करें, आंखों को बचा के रखें सूरज से। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, आप देखें और दुआ कीजिए कि सब ठीक हो जाए। और आज सुना है 1 बजे तक होगा ये। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों को भी फील हुआ सूरज का ग्रहण देखा आपने, कैसा हुआ, क्या आपकी कमेंट्स हैं, कमेंट बॉक्स में सब बताइएगा। जी फ्रेंड्स, ये देखें जस्ट पार्किंग लगा के मैं खड़ी हूँ। ये देखें सूरज बिल्कुल नीचे आया हुआ है, बिल्कुल पास में आया हुआ। और अभी कैमरे में तो वो इस तरह कैच नहीं करता, जाहिर है ये कोई वो स्पेशल कैमरा तो है नहीं है। तो बट आंखों में इतनी तेज़ चुभ रहा है ना, ये बहुत तेज़ है। तो आप लोग भी दिखाइएगा कैसे आपको फील हुआ, क्या तसरात है। मैंने थोड़े रास्ते का व्यू भी कैच किया, वो भी मैं वीडियो में ऐड लिंक डाल दूँगी, आप भी देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही वही ब्लॉगर गुलनाज बानो को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।